हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेट 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, किस स्टेट ऑफ माइंड में इस पर्सन ने अपनी दिन की शुरुआत करी है और दिन की शुरुआत में ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में इनके मन में आपको लेकर चल रहा है, इस चीज को मैं इस रीडिंग में देख रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर जरूर से कर दीजिएगा। एटलीस्ट आपको यूनिवर्स और डिवाइन को तो हर तरह से ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, उसी की सोच के साथ आपको लाइक जरूर से करना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, क्लेम जरूर से कीजिएगा, उसको अपने डिवाइन को जरूर से याद करते रहिएगा। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो कार्ड्स निकालते दौरान आप 3 से लेकर 5 बार उनका नाम मन ही मन में और अपना नाम मन ही मन में जरूर से लेंगे, ताकि मैक्सिमम आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज को ध्यान में रखकर आपको इस रीडिंग को कंटिन्यू करना होगा। यानी कि जरूरी नहीं है हर रीडिंग आपसे मिल पाए, जितनी मिलती है बस वही लीजिएगा, जो सर के ऊपर से जाती है वो छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। तो चलिए जी, मैं देख रही हूँ सबसे पहले ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। मॉर्निंग में ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड। सबसे पहले आपका आया है अलोननेस, फ्लावरिंग, वी आर द वर्ल्ड। गाइड कीजिए, बताइए, स्प्रेड गाइड मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या बने हुए हैं। मॉर्निंग में ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए। आइसोलेशंस, कंप्लीटेशंस, the outsiders and bottom is the rebel, okay. गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। कर्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्प्रेड गाइड प्लीज, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड क्या है। प्रिजर्वेंस, गाइड लीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड, गाइड लीजिए। मास्क, गाइड लीजिए, बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है। प्रॉमिस, कंप्लीटेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। डिवाइन, गाइड लीजिए, बताइए। आउटसाइडर, व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। हेजिटेशंस एंड फ्लाइट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो राशियां हैं वो बता रही हूँ व्यूअर्स, हालांकि अभी तो देखो टैरो से कार्ड्स निकालूंगी तो राशियां तो ओवरऑल सभी हो जाएंगी। नंबर्स और मंथ पर आप ज्यादा नोटिस किया कीजिएगा क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आपका है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, ये मुझे काफी खास दिखे। नंबर जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट दिखे वो है आपके 9, 3, 21, 10, 1, 5, 4, 62, 8, 2, 24, 6, 74, 11, 2, 25, 7, 44, 7। मंथ जो मुझे आपके लिए खास दिखे वो है आपके अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च अगेन, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, मई, फरवरी, अप्रैल और अगस्त मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिखे जो आपसे अपने पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं, चाहे वो अच्छे वे में आप
जोड़कर देख सकते हो, या फिर इतना नेगेटिव है जैसे कि इस मंथ में ही आपके साथ कुछ बुरा हुआ, इस मंथ को आप भुला नहीं पा रहे हो और इसका कारण ये है या इनके साथ हुआ, तो ऐसे करके आपको ये लेना होगा। चलिए तो बात करें सबसे पहले इनके मॉर्निंग एनर्जीज की। देखो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं बड़े गुस्से में इस इंसान की दिन की शुरुआत हुई है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि इनको इनका अकेलापन इतना ज्यादा एक बद्दुआ के तौर पर, एक कर्ज के तौर पर, एक श्राप के तौर पर फील हो रहा था, जिसके चलते ये पर्सन काफी ज्यादा पहले तो अपने आप को चुप करे रहे, यानी कि काफी ज्यादा इस इंसान ने अपने आप को अकेला समझकर या अकेला पाकर इन्होंने अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सख्त करने की कोशिश करी। लेकिन आपसे जुड़े हुए वादे, जो प्रॉमिसेस इस इंसान ने आपसे करे थे या आपने इनसे करे थे, या इस रिश्ते में जो भी प्रॉमिसेस आप दोनों के बीच में हुए, उन प्रॉमिसेस ने इस इंसान को काफी ज्यादा यहाँ पे भावुक कर दिया। उसके अलग आपने इस रिश्ते में इनकी बहुत केयर करी, बहुत पैम्पर करा, बहुत प्यार आपने रिश्ते में इनको दिया। मतलब मानो आपने इनकी जिंदगी के जो भी रेस थी, जो भी चैलेंज था, अपने प्यार, अपने सपोर्ट, अपने पैम्पर करने से आपने उन सभी चैलेंजेस को इस इंसान की जिंदगी से जैसे मानो छू मंतर कर दिया हो। तो इन सभी चीजों ने ना इस इंसान को काफी ज्यादा इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया, जिसके चलते ये पर्सन जैसे मानो कुछ पल यहाँ पर रोए तो उससे कहीं ज्यादा ये पर्सन एक एग्रेशन में भी आए। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जैसे इंसान को होता है ना, अपने इमोशंस को वो संभाल नहीं पाता या संभाल नहीं पाती, तो वैसी ही स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर मॉर्निंग की बनते हुए दिख रही है। ऐसे भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। देखो आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन है, दूरियां हैं, या इनकी जिंदगी में ये जो अकेलापन है ना, उसके पीछे का कारण है आउटसाइडर्स या फिर परिवार वाले। जैसे आउटसाइडर्स में जैसे दुनिया कि भाई दुनिया होती है ना, कास्ट अलग है, भाई एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, भाई एज गैप बहुत है, भाई स्टेटस का गैप बहुत है, तो वो डिफरेंसेस, तो ये हो गए आपके आउटसाइडर्स। और फैमिली, तो ऑब्वियसली फैमिली खिलाफ, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड, की पसंद नहीं है, नेचर पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, तो मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि अपने परिवार के बीच में ये पर्सन काफी लंबे समय तक तो, या अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम तो मास्क पहने रहते हैं। मतलब जैसा परिवार जो बोल रहा है वो मास्क पहन कर ही उनके सामने आ गए, वैसा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया, या इवन परिवार भी यहाँ पर इस चीज में कोई कमी नहीं बरत रहा कि इस इंसान के दुख में दुख होकर दिखा देते हैं, गुस्सा है तो थोड़ा शांत होकर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन के साथ ये हो रहा है कि बेसिकली जो परिवार वाले वो मास्क पहनकर इस इंसान के सामने आ जाते हैं, उस चीज को ये पर्सन समझ रहे हैं, उस चीज से इस इंसान को इरिटेशन हो रही है, उस चीज से इस इंसान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो वो चीज है, मतलब एक होता है कि एक तो तुम अकेलापन फील कर रहे हो, अपने आप को अधूरा देख रहे हो, उस आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है, आपके वादे इन्हें कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं, रुला रहे हैं, फिर परिवार का वही अपना रोल, वो मास्क पहनकर इनके सामने मीठी मीठी बातें करना, तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन को काफी ज्यादा बंधा बंधा सा फील करा रही हैं। और यही बंधा बंधापन इस इंसान को व्यूअर्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट की तरफ, या डिप्रेशन की तरफ, या गुस्से की तरफ, गुस्से की आग में जलने की तरफ इन्हें पहुंचा रहा है। आउटसाइडर्स जो भी हैं, डेफिनेटली ये पर्सन उनसे लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो डिफरेंसेस आप दोनों के दरमियान है ना, वो बदल नहीं सकते, और उस चीज के लिए दुनिया का मुंह रोक नहीं सकते। वो दुनिया जिसे किसी ने देखा नहीं, वो चार लोग जो आज तक किसी ने देखा नहीं, भाई कौन है वो चार लोग। तो यहाँ पर इस इंसान के साथ यही कन्फ्यूजन्स भी काफी ज्यादा इन्हें एग्रेशन में लेकर जा रहा है कि उन चार लोगों के सामने अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे, उसको लेकर ये क्यों हेजिटेट हो रहे, हेजिटेशन रख रहे हैं, या उस वक्त पे इन्होंने क्यों हेजिटेशन रखी। अगर ये उस वक्त पे वो हेजिटेशन ना रखते तो यू अकेले ना रहते, यू अधूरे ना रहते, या यू इस तरह से पत्थर बनने के लिए इन्हें मजबूर ना होना पड़ता। मतलब मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर परिवार इनके सामने मास्क पहनकर आता है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप से मास्क पहने हुए ही घूम रहे हैं, उस वे में कि ये स्ट्रांग है, लॉजिक देख रहे हैं, प्रैक्टिकल हैं, सख्त हैं, तो वो चीजें। लेकिन मॉर्निंग की ऐसी एनर्जी है जैसे वो चीजें इतनी हाई हो गई हैं कि ये पर्सन उस चीज को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं।
और इसी रीजन के चलते ये पर्सन जैसे मानो गुस्से की आग में फटे हुए हो उस परिवार पर या लोगों के नाम पर, परिवार के ऊपर ही ये काफी ज्यादा फटे हो, तो वो भी मुझे पॉसिबिलिटी दिख रही है। क्योंकि हर एक इंसान अपनी जिंदगी का, अपनी लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस इस इंसान को ये समझा रहा है, रह रहकर इनके दिल में इस तरह के थॉट्स को डेवलप कर रहा है कि किस तरह से इन्हें बांधा जा रहा है, किस तरह से इन्हें रोका जा रहा है या किस तरह से इन्हें बांधा गया और रोका गया। तो वो सभी चीजें इस इंसान को इस एनर्जी में, इस स्टेट ऑफ माइंड में लेकर गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अब मैं टैरो से देखती हूँ कि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, राशियां भी मुझे कोई अगर दिखी तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग एनर्जीज, मॉर्निंग स्टेट ऑफ माइंड को बताइए व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की मॉर्निंग की क्या एनर्जीज है, मॉर्निंग की फीलिंग्स बताइए क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। फाइव ऑफ वैंड्स एंड बॉटम इज थ्री ऑफ सोर्ड्स। एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि मुझे काफी स्ट्रॉन्ग में दिख रहा है। देखो सबसे ज्यादा तो यहाँ पर इस पर्सन की फीलिंग्स को अगर यहाँ पर पढ़ा जाए ना, तो वो ये है, थर्ड पार्टी में हो या परिवार में हो, दोनों में ही इस इंसान को अगर कुछ मिला है वो अकेलापन, दोनों ही चीजें इस इंसान को एक बद्दुआ के तौर पर, एक श्राप के तौर पर फील हो रही हैं। यानी कि अपनों में रहकर, थर्ड पार्टी में रहकर भी ये इंसान अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे, या इन दोनों में ही अपने आप को रखकर इस इंसान को अपनी जिंदगी में अकेलापन फील हो रहा है। ये इंसान अपने आप को बहुत तन्हा कर भी रहे हैं और मान भी रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि जो ये पर्सन बात रखते हैं ना अपनी तरफ से कि भाई ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसे नहीं वैसा होना चाहिए, यानी कि ये अपने एक्सपीरियंस को जो भी यहाँ पर रखते हैं उस बात को माना नहीं जाता, उस बात को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, जो बातें बेसिकली इस इंसान को तीर की तरह चुभ रही है। और यही कारण बन रहा है कि ये लोग भले ऐसा ना कर रहे हो या इन लोगों के मन में ये चीजें नहीं आई हो, लेकिन हाँ आपके पर्सन यहाँ पर रहकर अपने आप को डेफिनेटली दिल से, मन से बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं। और कुछ कारण यहाँ पर हालात ऐसे हैं, तो कुछ कारण यहाँ पर व्यूअर्स ऐसे हैं कि इंसान जब डिप्रेशन में होता है या होती है तो वो ऐसा ही फील करने लगता है। फ्लावरिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर फ्लावरिंग के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी फोर ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं एक वक्त पे ये इंसान चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे आउटसाइडर्स हो या परिवार वाले हो। देखो आउटसाइडर्स तो है, वो किसी भी चीज में आप इंक्लूड कर सकते हो। ये पर्सन उनकी बात सुनकर काम करते रहे, उनकी बातों को ये पर्सन इतना दिल से, दिमाग से लगाते रहे कि उसी को तराशने में, उसी को सही करने में, उसी को करेक्ट करने में ये पर्सन लगे रहे। ये पर्सन ये भूल बैठे कि आप इन्हें इनकी तरफ ऑफर भेज रहे हो, या आप इनकी तरफ अभी भी आना चाह रहे हो, या आप इन्हें क्लैरिटी दे रहे हो, या आप यहाँ पर ना जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर करना चाह रहे हो, अभी भी आप प्यार करते हो, फीलिंग्स हैं। ये पर्सन उन चीजों को देख ही नहीं रहे थे, लेकिन ना मॉर्निंग की एनर्जी, अपने गुस्से, अपने इमोशंस की वजह से ये पर्सन उसी चीज को हद से ज्यादा मिस कर रहे हैं कि किस तरह से थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, इनका दिमाग इस तरह से पलट गया, बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो गई कि इस इंसान ने आपके आने वाले ऑफर्स को देखा ही नहीं, आपकी उस वक्त में फीलिंग्स को समझा ही नहीं। वो सभी चीजें इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स रुला रही हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, रोए हंसे क्या करें, वो गाना है ना, मैं रोऊं या हंसूं करूं मैं क्या करूं, तो वैसी एनर्जी है। टाइप कीजिए बताइए वी आर द वर्ल्ड को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई है सुबह से लेकर अब तक की। स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, वी आर द वर्ल्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है। फोर ऑफ द वर्ड्स,
तुम्हें। कुछ लोगों के केस में ना मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि परिवार की बातों में आकर ना इस इंसान ने आप दोनों के बीच में शादी होते होते तक तोड़ दी, मतलब शादी इन्होंने करी नहीं। और कुछ लोगों के केस में ऑलरेडी आप मैरिड हो तो उस मैरिज लाइफ को इन्होंने तोड़ दिया, उसे जलाकर राख कर दिया परिवार की वजह से। ओवरऑल यहाँ पर ये पर्सन अपने परिवार को लेकर जो भी भ्रम पाले हुए थे वो भ्रम जैसे जैसे संसार का टूटता जा रहा है ना, इनका विश्वास उन पर से उठता जा रहा है। और वही टूटा हुआ विश्वास, उठा हुआ विश्वास इस इंसान को उनके वो मास्क दिखा रहा है, वो चेहरे को दिखा रहा है जिसे वो छुपाते आए हैं, जिसे उन्होंने कभी भी आपके पर्सन के सामने लाया ही नहीं है। तो ये सभी चीजें ना आपके पर्सन और उस परिवार के बीच में काफी ज्यादा अनबन क्रिएट कर रही है। मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं अपने परिवार से या अपनी इस रिश्ते को लेकर बात भी करते हैं कि तुम्हारी बातों में आकर, तुम्हारे झूठे मास्क को देख कर ये इतने ज्यादा कहीं ना कहीं पागल हो गए थे, जिसके चलते इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ को या अपनी बने बनाए घर को या बनने वाले घर को इन्होंने जलाकर राख कर दिया। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, इस इंसान के गुस्सा होने के पीछे का कारण बहुत सारा बन रहा है, ठीक है। एक आध गुस्सा होने का कारण यहाँ पर नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर अब ये पर्सन हर एक ब्लेम, अपने हर एक दर्द का कारण, अपने अधूरेपन का कारण सिर्फ और सिर्फ उन्हें मान रहे हैं, चाहे वो आउटसाइडर्स हो, परिवार वाले हो या थर्ड पार्टी हो। और इसी चीज के चलते यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा इन सभी लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। द रेबेल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं सुबह से लेकर अब तक की, स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। रेबेल को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या है। प्रिंस ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। देखो जितना ज्यादा इस इंसान को अफसोस हो रहा है, जितना ज्यादा ये पर्सन एक अकेलापन अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन देख रहे हैं, उतना ज्यादा इस इंसान का दिल वापस से आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के लिए इन्हें बोल रहा है। वो ऑफर जो इन्होंने एक वक्त पे ना आपकी तरफ नहीं लेकर आए, एक ऐसी फीलिंग इनकी है जैसे सर झुकाने का इनका दिल आपके सामने कर रहा है, माफी मांगने का दिल आपका आपके सामने कर रहा है। बस आप किसी तरह से इनके इस डिप्रेशन को, इनके इस तकलीफ को, इनके इस अकेलेपन को शांत कर दो, खत्म कर दो। उस सोच के साथ इस पर्सन का दिल काफी ज्यादा यहाँ पर उठ रहा है आपकी तरफ वो ऑफर लेकर आने का, जो ऑफर इन्होंने एक वक्त पे खींच लिया था या देना इन्होंने सही नहीं समझा था। चलिए देखते हैं व्यूअर्स, इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। इनके मैसेजेस गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए कहने की क्या इच्छा इनकी उठ रही है। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन, कहना चाह रहे हैं कि अब ये चाहते हैं अपने एक्शंस के माध्यम से आपको अपना प्यार प्रूव करना। I talk to you a lot in my head. तो ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं ये आपसे अपने दिमाग में, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आई कैप्ट द टेक्स्ट, इस इंसान ने आपके सारे मैसेजेस रख रखे हैं अभी भी संभाल कर, ये कहना चाह रहे हैं। आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, तो इन्हें ये चीजें लग रही हैं इतना कुछ होने के बाद डेफिनेटली आप मूव ऑन कर गए हो इनसे। एक कार्ड गिरा हमारा जो कि आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉक्ड अवे फ्रॉम यू, तो जिस शादी के मंडप से ये भागे या जिस कमिटमेंट से ये पर्सन भागे उसको लेकर ये पर्सन डीप लेवल पर आपसे सॉरी कहना चाह रहे हैं। I want to hold you कहना चाह रहे हैं, आपको hold करे रखना चाहते हैं अभी। My heart belongs to you क्योंकि अब इनका दिल आपसे जुड़ा हुआ है, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। आपको क्या करना चाहिए इन सिचुएशंस में, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और टीचर बताइए। स्प्रेड गाइड व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, स्प्रेड गाइड कैसल स्टॉर्म सनड्रेसेस। भाई आपकी जिंदगी ऐसी दिख रही है जैसे बिल्कुल बिखरी हुई, चांसेस हैं कि काफी मेरे व्यूअर्स ना अभी तक हील नहीं हो पाए हैं।
आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो तूफान तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में आया है, लेकिन तूफान के आने का मतलब ये नहीं है कि आप तूफान में बैठकर उसके खत्म होने का इंतजार करो, या वहां पर आप बदले की भावना लेकर अपने आज को और आने वाले कल को भी बर्बाद करो। आपसे एज अ गाइडेंस यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि व्यूअर्स टाइम है यहाँ पर अभी अपने आप को हील करने का। अगर आपने अभी अपने आप को हील नहीं कराना तो कहीं ना कहीं आप अपने फ्यूचर में अपने आप को खुश नहीं रख पाओगे, या वो चीजें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जो आपकी हैं, जो आपको मिलनी चाहिए। तो उसी कारणवश यूनिवर्स डिवाइन ये बोल रही है कि अब यहाँ पर बजाय किसी और के लिए कुछ करने के, चाहे वो बदला हो, चाहे वो कहीं ना कहीं उसकी खुशियों का ख्याल हो, बजाय ये सब करने के जो भी करें आप वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करें। इस सोच, इस परसेप्शन के साथ आप ये चीजें करें, आपसे यूनिवर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो व्यूअर्स देखो, सोच समझकर अब आपको हर एक चीज करनी होगी, और स्पेशली सबसे पहले अपने आप को आपको एज अ प्रायोरिटी लेकर तो चलना होगा, ठीक है। सो काफी अच्छी रीडिंग आई है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, एंड काफी अच्छी गाइडेंस भी इवन आई है, आई होप आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करा, बेल आइकन को आपने अभी तक प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।